सरकार द्वारा आवागमन की सुविधा को सरल बनाने के लिए चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया गया ताकि लोगों का समय बच सके, लेकिन जल्दबाजी और तेज रफ्तारी के चक्कर में हाईवे पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इसी के चलते कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में कोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत कैसोवापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर बृहस्पतिवार की दोपहर देखने को मिला। इलाहाबाद की ओर से कानपुर की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार मारुति कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पुलिया के साइड वॉल से टकराकर गड्ढे में जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोखराज पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला व एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार सवार अखिलेश राठौर निवासी अलीगंज लखनऊ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। ये घटना हुई है कि एक कार जो थी इलाहाबाद तरफ से चलकर काम तरफ जा रही थी और एक पुलिया में अचानक टकरा कर गड्ढे में गिर गई। इसमें की तीन लोगों की घायल हो गए, एक लोग की मृत्यु हो गई है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है।